Complete all three challenges to reach level 4. Okay, ये पहला challenge है. Pals not allowed. Bro, एक 30 level का pen king है इसके अंदर. नहीं 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 भाई एक बार में मैं कैसे मर सकता हूँ यहाँ पर. अच्छा भाई जॉर्मुंडाइड को मुझे अंदर डालना है. सुप्रीम जॉर्मुंडाइड वर्सेस भाई रशर हॉर. भाई ये देखो भाई फाइट होने वाली है अभी. ओ तेरी ओ. What's up everyone? Welcome back to a brand new Pal World video. And आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं level 3 of Pal World Parkour Challenge. पिछले कुछ एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने ये फ्लोटिंग आइलैंड डिस्कवर किया जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा खूंखार चीजें हैं. हर जगह पर ट्रैप्स हैं, हर जगह पर नए नए पोकेमॉन्स हैं एंड हमारे पास कुछ भी नहीं है. उसके बाद हमें एक सुप्रीम जॉर्मुंडाइड भी मिला जिसको हम लोग ने कैप्चर तक कर लिया. तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं लेवल 3 को एक्सप्लोर करने के लिए. तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा दो. लेट्स गो. ऑलराइट भाई स्वागत है आप लोग का एक और हमारे पाल वर्ल्ड पार्कोर के एपिसोड में. भाई कितने टाइम बाद हम लोग ने पाल वर्ल्ड पार्कोर अपलोड कर रहे हैं, कितने टाइम बाद हम लोग ये फ्लोटिंग आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं. और यहाँ पर हमारे को गियर फॉर लेवल 3 कहा था लास्ट एपिसोड में. हमें यहाँ पर दो मर्चेंट दिखे थे जो कि अभी शायद टहलने चले गए हैं. तो हम लोगों ने इनसे बहुत सारी चीजें बाय करी. थोड़े बहुत हम लोग ने यहाँ पर मेडिकल सप्लाईज भी बाय करी क्योंकि हो सकता है आगे जाकर हमारे पोकेमॉन्स को इंजरी हुई हो. एंड हम लोगों ने इन सारे के सारे पोकेमॉन्स को कैप्चर करा है. इनके अलावा हमारे पास कोई और पोकेमॉन नहीं है. आगे जाकर और क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चैलेंजेस को हमें इन्हीं पोकेमॉन से डिफीट करना है. बट फॉर नाउ यहाँ पर देखो एक छोटा सा वॉशरूम बना के रखा है इन लोगों ने. यहाँ पर क्या है भाई ये. चलो भाई वॉशरूम तो बाद में कर लेंगे. बट अब चलते हैं गाइस इस मेन गेट को खोलने के लिए और देखते हैं इसके अंदर से क्या होने वाला है. इन 3, 2, and 1 लेट्स गो. ये क्या है, बॉक्सशेप में डाला है यहाँ पर तो कुछ तो है. वेलकम टू लेवल 3. ओके यहाँ पर हम लोग को बोला था कि गियर अप हो जाओ लेवल 3 के लिए और यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं. भाई इसके आसपास भाई कोई ट्रैप ऐप ना हो भाई इसके आगे. चलो भाई ओके खुल गया है ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आ जाओ भाई इसको बंद कर देते हैं. ब्रो ये सब क्या है यहाँ पर. कंप्लीट ऑल 3 चैलेंजेस टू रीच लेवल 4. ओके 3 चैलेंजेस है ना, तो ये क्या है, ये 2 of 3. नो वेपन्स अलाउड. ओके तो ये 3 चैलेंजेस है. यहाँ से फर्स्ट चैलेंज है, ये सेकंड चैलेंज है और ये थर्ड चैलेंज है. ओके तीनों के तीनों चैलेंजेस हमें कंप्लीट करने हैं. ओके ये पहला चैलेंज है पाल्स नॉट अलाउड. भाई ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए पाल्स अलाउड नहीं. अच्छा इसलिए यहाँ पर ये रखा हुआ है. ब्रो भाई मुझे अपने सारे पाल्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे क्या. भाई इतनी मेहनत से पकड़े हुए थे ये पोकेमॉन, अभी मुझे यहाँ पर नो पाल्स अलाउड कर रहा है यार. ठीक है तो ये चैलेंज नंबर 1 है. तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चैलेंज जब हम कंप्लीट करेंगे तब शायद ये लेवल 3 खत्म हो. भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. बाकी दोनों चैलेंजेस क्या है ये तो बाद में देख लेंगे. बट पहले चलते हैं चैलेंज 1 कंप्लीट करने के लिए. देखते हैं इसके अंदर क्या. ब्रो एक 30 लेवल का पेन किंग है इसके अंदर और हमारे पास यार कोई भी पाल नहीं है. ब्रो अगर मेरे पास भाई एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन होता ना इस मोमेंट पे जो कि ये देखो हमारा मोसांडा का क्या. अच्छा ये रहा भाई, अगर हमारे पास ये मोसांडा लक्स होता ना भाई तो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोकेमॉन वाटर पोकेमॉन के सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है. और भाई अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई इस पेंकिंग को मारने के लिए. चलो भाई देखते हैं इसको. भाई खुला ही रखते हैं इसको, अभी खुला ही रखते हैं भाई. पेनकिंग से हमें फाइट करनी है. 4000 इसकी एचपी है ब्रो. जो भी है इस पेनकिंग को हमें गाइस कैप्चर भी करना है. हमारे पास 9 लेजेंडरी स्पीयर्स हैं, है ना. आ जाओ भाई इससे फाइट करते हैं सबसे पहले. तो आ जाओ भाई इससे फाइट हमें तो छेड़नी पड़ेगी भाई. लेवल कंप्लीट करना है तो इसको तो मारना ही पड़ेगा. ऑलराइट सबसे पहले फायर क्रॉसबो से हमें स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि 142 एरोज है हमारे पास इसके लिए. चलो भाई आ जाओ 3 हेडशॉट मार के शुरू करते हैं. ठीक है पाल्स भी नहीं, भाग सकता हूं मैं यहां से. 578 डैमेज पड़ा, गुस्सा हो गया ये. ओ ये क्या है ब्रो. अरे ये कौन सा अटैक है इसके पास. व्हाट, नहीं 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 व्हाट. भाई एक बार में मैं कैसे मर सकता हूँ यहाँ पर. भाई ये क्या है ब्रो, हम वापस यहाँ पर आ गए. ओए नसीब मेरे पास मेरे सारे पोकेमॉन्स अभी भी है. मुझे लगा मैं मर गया, मतलब ये चैलेंज तो खत्म है भाई. बट अभी भी हमें पेनकिंग से फाइट करनी है भाई. कौन सा तो हाइड्रोलिक अटैक था उसके पास. भाई आ जाओ वापस से. नहीं, हमारे पीछे ही पड़ा है भाई, ये हमारे पीछे ही पड़ा है भाई. नहीं अरे भाई क्या स्प्लैश अटैक है इसके पास. नहीं यार ये अटैक नहीं भाई, ये अटैक नहीं, मैं नहीं बच पाता हूँ इस अटैक से, नहीं बच पाता हूँ. मेरी हेल्थ बहुत जा रही है.
नसीब बच गए इस बार, बच गए हम लोग। भाई स्टैमिना बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा हमें गाइस। तेरी तो इसको एक बार आग लग जाए भाई, इसको आग लग जाएगी ना भाई, मर जा देंगे। फायर क्रॉसबो मार रहा हूँ भाई, जो अच्छी बात यह है कि इसके सारे शायद बहुत पावरफुल अटैक हैं। ये है ना, मार नहीं पा रहा है भाई, फटाफट मार नहीं पा रहा है भाई ये। अरे यार मैं मिस कर रहा हूँ भाई, एक तो पाल्स के बिना मार रहा है, इतना मुश्किल क्यों है इसको भाई। नसीब नसीब भाई, वो हाइड्रोलिक गन मत यूज कर, बाकी कुछ भी चलेगा भाई मुझे। चलो भाई ये बात बढ़िया है भाई, अब तक वो हाइड्रोलिक पंप गन यूज नहीं करी ना, वो बेस्ट चीज है। धीरे धीरे करके हम लोग मार रहे हैं इसको। ओ भाई नसीब, एक काम करते हैं, ट्रिपल शॉट को यूज करते हैं, ट्रिपल क्रॉसबो। नहीं भाई इसे तो कुछ भी नहीं लग रहा है यार, कुछ भी नहीं लग रहा है भाई इसे, इसे तो क्रॉसबो यूज कर लूंगा भाई। अगली बार अगर मुझे मर्चेंट मिला ना, मैं नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं भाई, मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ। अगली बार कहीं से भी मैं फायर एरोस बना पाया ना, मैं पहले बनाऊंगा, क्योंकि भाई क्रॉसबो बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई इन सारे पोकेमॉन्स के सामने। ओ भाई नाइस 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 नाइस, बच गया भाई, नाइस बच गया मैं भाई। इसकी टोपी उड़ा दूंगा मैं साले की। भाई मेरे पास लेजेंडरी बॉल्स है ना, तो मुझे इतनी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 30 लेवल का ही बैंकिंग है सिर्फ ये। मेरी सबसे खाली 1000 एचपी तक लेकर जा सकते हैं हम लोग इसको, और फिर मैं गाइस इसको मैं पकड़ लूंगा। अरे बाप रे भाई, कौन से अटैक कर रहा है भाई। जैसे ही ये मुझे मारने लगेगा ना भाई, और मैं उसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा ना, वैसे इसको हम पकड़ लेंगे ठीक है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ 1000 एचपी तक लेकर जाऊं नीचे तक। भाई ये देखो हिली ही रहा है यार ये अपनी जगह से, भाई इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा यार मुझसे। इसका हेडशॉट ही मार दो भाई, नाइस, इसको हेडशॉट ही मारते रहेंगे हम लोग है ना भाई। बढ़िया भाई, क्रिटिकल लग रहे हैं, इसको पकड़ लेंगे हम भाई। ये अटैक मैं नहीं झेल सकता भाई, 70% चांस है। नहीं आ भाई, आई अंदर यार। अरे ब्रो ये भी लग जाता मैं मर जाते भाई, मेरे पास बिल्कुल भी शील्ड नहीं है। ये अटैक तो ईजी है गाइस डिफेंड करने के लिए, खाली चलते रहना है हमें आसपास भाई। 1000 एचपी तक लेकर आ चुके हैं हम यार इसको भाई। इसका बड़ा वाला अटैक जैसे हुआ ना गाइस, मैं लेजेंडरी स्पीयर फेंक दूंगा अपना भाई। भगवान के नसीब से हमारे पास लेजेंडरी स्पीयर्स हैं, वरना तो पता नहीं क्या ही हो जाता यार। चलो भाई आ जाओ, लेट्स गो, मारते रहेंगे हम लोग इसको। अरे नहीं भाई, 1 सेकंड भी नहीं दिया उसने मुझे डिफेंड करने के लिए। भाई यार भाई आ चुके हम लोग वापस से यहाँ पर नसीब। और ये हमारे पेनकिंग की हेल्थ 681 है अभी भी भाई, बट मेरे पास लेजेंडरी स्पीयर सिर्फ 8 ही हैं अभी यार, और मुझे इस पे वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि चैलेंज 2 और चैलेंज 3 क्या ये अभी तक मुझे नहीं मालूम है भाई। बट ये देखो अंदर ही भाई, ये तो चिल कर रहा है भाई, इसको मारेंगे इस बार तो मार ही देंगे इसको, रुक जाओ। बूम भाई, फायर क्रॉसबो यूज करने दो भाई, ये इससे तो नहीं हो पाएगा भाई, थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके ही रहूंगा भाई अब तो मैं इससे, क्योंकि पास में रह गया इसका वो स्प्लैश अटैक लग गया था मुझे। तेरी तो ये अटैक तो मैं करने नहीं दूंगा इस बार, 74% चांस है, प्लीज ना अटैक मत करना प्लीज। लेट्स गो ब्रो, हम लोगों ने एक और फाइनली वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ लिया है, इनफैक्ट हमारे ये पहला वाटर टाइप पोकेमॉन होने वाला है। चलो भाई चलते हैं अब ये सेकंड चैलेंज की तरफ भाई। दो बार चैलेंज 1 कंप्लीटेड, डन, नाइस यार नाइस भाई। इस चैलेंज 1 में ही मैं 2 बार लुढ़क गया भाई, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है भाई अब तो। ऑल राइट भाई सेकंड चैलेंज की तरफ चलते हैं, और क्या है आगे। ऑल राइट, चैलेंज नंबर 2 इज नो वेपन्स अलाउड। ओके, तो मुझे अपने सारे वेपन्स, सारे के सारे वेपन मुझे इस बॉक्स में शायद रख देने पड़ेंगे भाई। यार वेपन्स के बिना भी फाइट करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई वेपन्स के बिना फाइट कैसे करूंगा भाई मैं इधर अब। अरे यार एक मिनट, नो वेपन्स अलाउड है ना, तो भाई मैं पाल्स तो लेकर जा ही सकता हूँ भाई अपने वाले। चलो भाई आ जाओ, कहाँ हो भाई मेरे साथ। ओ भाई ये देखो भाई, पेनकिंग को तो मैं भाई थोड़ा आराम दूंगा अब यहाँ पर, बट उसके पहले गाइस मैं चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक मोसांडा रहे, सुप्रीम जॉर्मोंटाइड भी हमारे पास रहे, एक बॉस वाला अनुबिस रहे, एंड बाय चांस मेरे हिसाब से एक पेनकिंग ले लेना चाहिए मुझे, और एक अनुबिस की जरूरत नहीं, एक दुमुद ले लेते हैं। ये अनुबिस हमारे पास एक है जो कि बहुत पावरफुल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, है ना। तू यहाँ पर ही ले, तेरे को बाद में लेना होगा, होल्ड कर। चलो भाई सेकंड चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं विदाउट एनी वेपन्स। चैलेंज नंबर 2 पे आ चुके हैं भाई। चैलेंज 1 ने तो भाई हमें 2 बार मार दिया है, और हमारे पास वेपन्स भी नहीं थे, बट इस बार हमारे पास हमारे भाई जॉर्मोंटाइड वगैरह भी है, और वो भी सुप्रीम वाले, तो कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली मेरे हिसाब से भाई। बट यहाँ पर देखते हैं अंदर क्या है पहले तो। ओ भाई तेरी, 35 लेवल का एक रशर हॉर है इसके अंदर भाई। ओ शिट, हम लोग ने पहला वाला तो डोर खोला ही नहीं, पहला वाला डोर खुलेगा क्या अभी तक। ओ भाई ये तो अंदर ही है भाई, मुझे नहीं फाइट करनी इससे भाई। ये देखो फाइट कर भाई, यहाँ तक आ चुका है ऑलरेडी भाई। मैं जैसे ही डोर खोलूंगा ना भाई, ये बहुत गंदा मारने वाला है। ओ भाई ये क्या कर रहा है
अरे ये क्या अटैक है भाई, मैजिकल अटैक्स कर रहा है ये तो भाई। नहीं 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 नहीं, मेरी हेल्थ देखो भाई, तो मुझे मार के ही रहेगा भाई। चलो भाई काम करते हैं, अब चलते हैं अंदर इसको फाइट करने। अभी इसका स्टैमिना स्टैमिना अरे जा नहीं दिया, ऊपर से आना पड़ेगा क्या मुझे? अच्छा भाई जॉर्मुंडाइड को मुझे अंदर डालना है, सुप्रीम जॉर्मुंडाइड वर्सेस भाई रशर हॉर। भाई ये देखो भाई फाइट होने वाली अभी। ओ तेरी भाई, ये रशर हॉर को तो भाई गीला करके मार रहा है। ओ भाई ड्रैगन वाली भी फ्रेम मार दी हमारे भाई जॉर्मुंडाइड ने। नाइस, पैनकिंग को डालते हैं, काम करते हैं पैनकिंग वर्सेस रशर हॉर करते हैं। चल भाई पैनकिंग की हेल्थ बहुत कम है, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझे। बट भाई पैनकिंग को देखो, ये बूम भाई, ये देखो गाइस अब इसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है, एक और अटैक कर ले पैनकिंग, फिर चलते हैं। अरे तेरी, अरे अंदर मर जाएगा, मर जाएगा भाई, ये मर जाता अभी। रॉक लैंस मार दिया इससे तो पूरा भाई, एक एचपी प्लीज 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 प्लीज, लेट्स गो भाई। रशर हॉर को हम लोग ने बिना किसी मेहनत के पकड़ लिया। और यहाँ पर देखो भाई, ये डोर है जो खुल ही नहीं रहा है यार, यार ये डोर खुल नहीं रहा है, ये डोर खुल जाता तो मजा आता था। बट गाइस और मैंने गाय में यार अपने पेनकिंग को यहाँ पर मैंने यूज कर लिया था भाई, गड़बड़ हो जाती अभी बहुत हैवी वाली। बट खैर गाइस चैलेंज 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाइस भाई, पहला और दूसरा चैलेंज दोनों हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। भाई सबसे पहले तो मेरे वेपन्स वापस दो भाई, मेरे वेपन्स कहाँ हैं सारे के सारे? ये रहे मेरे वेपन्स, अब आप इसको पहन लेंगे भाई। भाई सारे वेपन्स तो मैंने ले लिए, और अब मुझे नहीं पता चैलेंज नंबर 3 कितनी हार्ड होने वाली है। बट भाई मेरा अनुबिस यहाँ पर, मैं भाई मैं 5 ही पोकेमोन कैरी कर सकता हूँ एक बार में। अब यार ये अनुबिस को कैसे लेके जाऊं मैं, इस अनुबिस को तो यहाँ छोड़ने वाला। ओ यहाँ पर रख सकता हूँ ना, अपना पाल बॉक्स में रख सकता हूँ भाई। हमारे पास रशर हॉर भी आ चुका है भाई, हमारे पास कितने सारे ग्राउंड टाइप पोकेमोन आ चुके हैं यार। ये देखो ग्राउंड 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 ग्राउंड, सारे के सारे ग्राउंड टाइप, 2 वाटर टाइप पोकेमोन आ चुके हैं और एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। चलो भाई काम करते हैं, रशर हॉर को रखते हैं और ये वाले अनुबिस को रखते हैं भाई, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट बॉयज, नो पाल्स अलाउड, नो वेपन्स अलाउड, दोनों के दोनों चैलेंज हम लोग ने कर लिया और कंप्लीटेड भी लिखा आ चुका है। बट यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से हमें दिख रहा है ऊपर तक कुछ तो चीजें हैं वहां पर। अब हम जाने वाले हैं ये चैलेंज नंबर 3 करने के लिए। मुझे नहीं पता कौन सी फाइट होने वाली है अब भाई, मैं थक चुका हूँ फाइट करके। प्लीज अब कुछ दिमाग वाली चीज हो तो मजे आ जाएंगे भाई। ओके ये क्या है, ब्रीड डार्क किट्सुन भाई, किट्सुन कैसे ब्रीड करेंगे हम लोग, और वो भी डार्क किट्सुन कैसे ब्रीड करेंगे भाई। यार चैलेंज नंबर 3 है यहाँ पर भाई, इन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर ब्रीडिंग मास्टर आया है। अच्छे तरीके से मेरी ये लोग तलाशी ले रहे हैं भाई कि ब्रीडिंग मास्टर को कितना आता है। ऑलराइट सबसे पहले तो भाई ब्रीडिंग चेक करने के लिए हमें केक है कि नहीं देखना पड़ेगा। ऑलराइट केक नहीं है, हमारे पास किचन भी यहाँ पर दिया गया है। और ये क्या है भाई, फ्लावर बनाने की कुछ मशीन है क्या? मेरे पास तो वीट ही नहीं है यार। अबे यार कैसे करेंगे अब, इसके अंदर क्या है? ओ नाइस, इसके अंदर भाई केक बनाने का सामान मोस्ट प्रॉब्ली हो चुका है, बढ़िया। पर हम लोग एक ही केक बना सकते हैं भाई, नहीं यार भाई अब केक बनाने के लिए मुझे कोई किंडलिंग वाला पोकेमोन रखना पड़ेगा, और मेरे पास एक भी फायर टाइप पोकेमोन नहीं है यार। मैं खुद बना सकता हूँ क्या? ओ हाँ मैं खुद बना सकता हूँ भाई, एटलीस्ट एक केक मैं खुद बना सकता हूँ, विच इज वेरी गुड। केक बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद भाई तब तक हमारे पास टाइम है सोचने के लिए कि हम कौन से पोकेमोन रख सकते हैं यहाँ पर। भाई मैं थक गया भाई, ये केक बनाते बनाते अभी तक एक केक नहीं बन पाई है यार। बट यार मुझे जानना है कि इस डोर के उस पार क्या है, कुछ तो होना चाहिए गाइस, क्योंकि अभी मैं ब्रीडिंग कैसे करूंगा भाई। मेरे पास पोकेमोन्स तो हैं बट मेरे पास हैं, मैं इनको ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ब्रीडिंग में डाल सकता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है भाई। शायद ये खुल सकता है यार, एक मिनट ये चेक करने दो, पहले दो तो नहीं खुल रहे थे, ये खुल रहे। ओ भाई ये देखो ब्रो, ये हम लोग ने ऐसे ही खोल दिया भाई, ये डोर खुल के यहाँ पर हर जगह सबके किक एंट्रेंस थी। ओके लेवल 3 इनकम्प्लीट यहाँ पर दिखा रहा है, एंड यहाँ पर एक पाल बॉक्स भी है, और हमारे यहाँ पर दोनों पोकेमोन भी हैं। ओके मैं सारे पोकेमोन तो पहले यहाँ पर अंदर रख देता हूँ, सो दैट ये सारे के सारे हील हो जाए। पर एक मिनट बैठ के है ना, पहले मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे पास यही पोकेमोन है सामने, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक डार्क किट्सुन, किट्सुन एक फायर टाइप पोकेमोन है यार। पेनकिंग एक बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग पोकेमोन है, तो मेरे हिसाब से एक पेनकिंग तो रखना ही चाहिए, ठीक है। तो पेनकिंग एक मेल है, इसके अलावा मेरे पास फीमेल पोकेमोन एक ये है, एक ये है, एक ये भी है, एक ये भी है, और ये दोनों मेल है। ये देखो ये सारे मेल पोकेमोन है, ये सारे फीमेल पोकेमोन है, ठीक है। अब मुझे है ना इन लोगों में से कुछ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, आइदर ये डुमुद को हम लोग इन चारों के साथ ब्रीडिंग करवाए, एंड मेरे हिसाब से रॉक टाइप पोकेमोन को इनके साथ ब्रीड करवा के फायर तो नहीं निकलने वाला है। सुप्रीम जॉर्मुंडाइड को मैंने आज तक कभी भी कुछ भी किट्सुन टाइप निकालता हुआ नहीं देखा है, मैंने बहुत ब्रीडिंग करी है, इसके ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन बहुत लिमिटेड है सुप्रीम जॉर्मुंडाइड के।
तो मुझे लगता है पेनकिंग, भाई पेनकिंग ऐसा पोकेमोन है ना भाई, अनुबिस से लेकर बुशी से लेकर सबको ब्रीड कर सकता है ये। तो एक पेनकिंग को हम रखते हैं अपने पास यहाँ पर। अभी हमें एक फीमेल चूज करनी है भाई। मेरे हिसाब से जब वाटर और इलेक्ट्रिक जब फ्यूज होते हैं तब आग ही निकलती है, मतलब मेरे हिसाब से तो। लाइक जब बारिश में पानी आ रहा हो, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं, जब बारिश आ रही हो और उसमें इलेक्ट्रिक झटका लग जाए तो आग ही लगती है ना डायरेक्ट। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से, पता नहीं बहुत घिसा पिटा लॉजिक है, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से तो भाई इन दोनों की ब्रीडिंग होनी चाहिए। तो इनको लेकर चलते हैं भाई, यहाँ से मैं कहीं गिर ना जाऊँ भाई। पहली बात तो ध्यान ये रखना पड़ेगा मुझे। और ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया भाई अपने आप? भाई एक मिनट, इसको यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और इसको वापस उठाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको अभी यहाँ पर ब्रीडिंग में डालो। ठीक है सर, इसको नाइस भाई, हम लोग ने इसको ब्रीडिंग पर कर लिया है। ऑल राइट भाई, मोसांडा को भी ले लिया हम लोग ने। अब बस भगवान करे भाई इसके अंदर से एक डार्क किट्सुन निकल जाए। बट डार्क कैसे निकलेगा यार, बट कुछ भरोसा नहीं भाई। एटलीस्ट फिलहाल इन दोनों को ब्रीड करवाते हैं और इन दोनों की ब्रीडिंग स्टार्ट तो हो चुकी है। बट इनको केक चाहिए रही यार, केक हम बना लेते हैं भाई। केक बनाने में बहुत टाइम लग रहा है और भाई मेरे पास सामान सिर्फ एक ही केक का है। मुझे देखना पड़ेगा कि भाई और सामान कहीं तो मिले भाई, ऐसे स्टोरेज में छुपा छुपा के रखे होंगे कहीं तो। आ जाओ भाई केक बनाते हैं, फिलहाल तो टाइम लगेगा खाली केक बनाने में, तब तक होपफुली इनकी ब्रीडिंग भी हो जाए यार। बट मुझे अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है यार एक रॉक टाइप और एक वाटर टाइप आग तो निकाल। बहुत ओ नाइस, केक बन गया हमारी, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब तक ये केक हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब यार हमें एक और केक बनानी पड़ेगी। बाई चांस अगर इसके अंदर डार्क किट्सुन ना निकले तो गड़बड़ ना हो जाए भाई। एक काम करते हैं भाई, केक के सामान के लिए गाइस अभी हमें मिल्क चाहिए। यहाँ पर कहीं पर स्टोरेज वोरेज है तो मिल्क विल्क देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर है, ये रहा ना स्टोरेज। अच्छा नहीं, ये तो आर्ट है, वॉल आर्ट है। ये रहा स्टोरेज भाई। नाइस, हमारे पास मिल्क भी आ चुका है अब भाई। मेरे को तो लगा कि भाई मैं लिटरली इतना नर्वस हूँ ना इस मोमेंट पे कि इन दोनों से अगर डार्क किट्सुन नहीं निकलना भाई तो मेरे पास और बहुत टाइप के कॉम्बिनेशन है। पता नहीं मैं कौन से कॉम्बिनेशन कब कैसे करूंगा। दो केक और बन सकती है फिलहाल तो भाई। ये केक बनाने में मुझे आधा घंटा लगेगा। केक बना के आता हूँ मैं भाई। फाइनली आधा घंटा यहाँ पर खड़ा रह के मैंने दोनों केक बना लिया है। बट भाई अभी तक इन लोगों की ब्रीडिंग नहीं हुई भाई। कैसे हो यार तुम लोग, करो भाई जल्दी ब्रीडिंग। खैर इन लोगों की ब्रीडिंग होती है तब तक एक और चीज देखते हैं भाई। इनको खोल के देखते हैं भाई यहाँ से कुछ मिल पा रहा है क्या। पीछे से तो खोल लिया है। ओके अब ये पूरा एम्प्टी है। यहाँ पर भाई रशर हॉर्ड जो था भाई, और यहाँ पर पेनकिंग भाई। इसको तो भाई हमारे पास फाइट करने के लिए कोई पाल्स ही नहीं थे और मेरे को हालत टाइट हो गई थी भाई। दो बार लुढ़क गया मैं भाई। यहाँ पर हमें पूरी नेक्स्ट वाली चैलेंज दिख रही है। खैर फिलहाल इस वाले चैलेंज पे फोकस करते हैं भाई। ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन निकालना बहुत हार्ड है। अभी देखो हम लोग ने इन दोनों को ब्रीड करवाया है। पेनकिंग का तो मैं कंफर्म हूँ, पेनकिंग तो है ही। अब पेनकिंग को हमें ब्रीड करवाना है इन तीनों के साथ, और ये तीनों के तीनों रॉक टाइप पोकेमोन है यार। पेनकिंग और रशर हॉर ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला भाई। मेरे हिसाब से पेनकिंग और रशर हॉर, पेनकिंग का तो मैं फाइनल हूँ। यहाँ पर पेनकिंग निकला था और यहाँ पर रशर हॉर निकला था। यार मेरे हिसाब से इन दोनों को ही ब्रीड करवा के देख लेना चाहिए इस बार। रशर हॉर भी है यहाँ पर हमारे पास भाई। ये देखो हम लोग ने इतने बड़े रशर हॉर को पकड़ा था भाई। इसको भी यहाँ पर थोड़ा घूमने दो, तब तक देखते हैं भाई हमारे इन निठल्लों ने कुछ अंडा वंडा निकाला है कि नहीं निकाला है। ओ निकम्मो, डार्क किट्सुन चाहिए मुझे। ओ नाइस नाइस, इनका अंडा निकलने वाला है भाई। क्या टाइमिंग पे आए हम लोग यहाँ पर। 3, 2, 1 एंड आने ही वाला है। ओ नहीं यार, एक फ्रोजन एग यहाँ पर आया हुआ है। नहीं 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 नहीं, फ्रोजन एग नहीं चलेगा। मोसांडा हटाओ, मोसांडा हटाओ यहाँ पर। फ्रोजन एग खोल देंगे बट फिलहाल के लिए मोसांडा हटाने तो मुझे यहाँ पर। मोसांडा को फिलहाल नीचे नहीं फेंकना है मुझे। बढ़िया, चलो मोसांडा हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, सो दैट बाई चांस अगर हमें और भी केक बनानी पड़े तो इलेक्ट्रिसिटी तो हो हमारे पास, है ना भाई। आज किस एपिसोड के दोनों पोकेमॉन जो हम लोग ने पकड़े हैं यही हमें अभी बचा सकते हैं फिलहाल के लिए भाई। नॉट इनफ केक। हाँ भाई केक डालो, केक डालो। दो केक उठा लिया है ने, बट यहाँ पर भी मैं फिलहाल एक ही केक डालूंगा। बाई चांस भाई अगर मैं भूल जाऊँ ये लोग दोनों अंडे निकालते तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलो भाई, यूज फ्रोजन एग यहाँ पर आ चुका है और ये एग इनक्यूबेटर भी यहाँ पर है। आ जाओ भाई, भाई यूज फ्रोजन एग है भाई। इसके अंदर से भाई क्या सिबिलेक्स वगैरह निकलेगी क्या? सिबिलेक्स क्रॉनिक्स कुछ भी निकल सकता है इसके अंदर से भाई। एक और हमारे पास एक्स्ट्रा वोगे आ जाएगा। इन 3, 2, 1 सिबिलेक्स निकली है बॉयज, लेट्स गो। भाई ये भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस टाइप पोकेमॉन है भाई। देखने तो इसके अंदर कोई पैसिव स्किल मिला है क्या? एग्रेसिव है, नाइस। इसकी डिफेंस कम है बट लाइटनिंग और आइस अटैक्स है इसके पास भाई। लाइटनिंग मोसांडा के तरफ से मिले और आइस हमारे पेनकिंग के तरफ से मिले भाई। अब बस खाली एक ही उम्मीद है कि ये वाला ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन प्लीज एक किट्सुन दे दे, एक डार्क एग दे दे यार प्लीज, या फिर एक स्कॉर्चिंग एग दे दे, कुछ भी दे दे। फायर या फिर एक डार्क एग चाहिए हमें इसमें से।
प्लीज भगवान प्लीज वेट करते हैं गाइस आ जाओ तभी तक और भी केक बना सकते हैं क्या हम लोग। भाई यहाँ पर रशर और का कुछ तो एक्स्ट्रा सामान है बना लेते हैं भाई, ये भी मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा भाई कैसे भाई। चलो भाई ऑल राइट भाई, रशर और का भी यहाँ पर हम लोग ने मीट बना लिया है, ये हमें काम आएगा गाइस बहुत सारी जगह पर। इसको मैं पहले खाने के लिए रख लेता हूँ भाई। और भी हमारे पास यहाँ पर सामान बहुत सारा है, सबको अच्छे से यूज करना पड़ेगा ठीक है। कुछ भी चीजें हम लोग अगर खाई गए यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं कर सकते, और ये जो प्रेशियस वगैरह ना ये हम लोग बेच सकते हैं भाई हाई प्राइस पे। ये सारी चीजें अलग रखनी है भाई, सारा का सारा सामान जो भी हमें मिल रहा है जब तक हमारा बैग फुल नहीं होता ना हम सारी चीजें इकट्ठा ही करते रहेंगे ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अब देखते हैं यहाँ पर किट्सुन निकलता है कि नहीं भाई। बट ये क्या ही चैलेंज थी यार, मतलब ये दोनों गेट नहीं खुल रहे थे, इधर से हमें जाकर यहाँ पर पोकेमोन निकालने थे और फिर हमें ब्रीडिंग करवानी थी। होपफुली अभी हमें अगर किट्सुन मिले, किट्सुन को हम लोग यहाँ पर स्पॉन करेंगे तब जाकर शायद लेवल 3 कंप्लीट हो जाए, बट अभी तक तो फिलहाल कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं मुझे भाई। मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये रशर और पेनकिंग से तो मुझे पूरी उम्मीद है, बट यार ये रशर और से मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर फायर टाइप निकाल सकते। बट आ जाओ थोड़ा वेट करते हैं, अभी अंडा आने दो तब जाके करेंगे अभी बातचीत ठीक है। भाई एक फायर एग निकल गया है हमारे सामने फाइनली भाई, यहाँ से वहां घूम घूम के थक गया था मैं। आ जाओ भाई देखते हैं इसके अंदर से क्या है। ह्यूज स्कॉर्चिंग एग है भाई, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इसमें से एक किट्सुन निकले हमारे लिए भाई। रशर हॉर भाई मैं बता रहा हूँ तुझे, मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट करा है। ऑल राइट भाई ह्यूज स्कॉर्चिंग एग आ चुका है भाई दोनों की मैंने। भाई रशर हॉर तेरी मैंने बहुत बेइज्जती करी है, अगर तूने यहाँ से एक डार्क किट्सुन निकाल दिया ना भाई मैं बता रहा हूँ तू मेरा फेवरेट पोकेमोन हो जाएगा भाई। आ जाओ ऑल राइट गाइस द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, जिस चीज के लिए गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं। लेवल 3 भाई इतना डिफिकल्ट हो चुका है ऑलरेडी। इन 3, 2, 1 ब्रो भाई साहब, ब्रो लुक एट दिस ब्रो, फाइनली हमें एक डार्क किट्सुन मिल चुका है, लेट्स गो भाई। रुको रुको रुको, अरे मैं गिर जाता अभी खुशी के मारे भाई, चेक करने दो भाई चैलेंज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इस किट्सुन को यहाँ पर डालने दो। हाँ भाई देखो भाई डार्क किट्सुन देखो कितना ज्यादा पावरफुल दिख रहा है यार। ओ नाइस लेवल 3 कंप्लीटेड लेट्स गो भाई। रुको रुको रुको, सारे पोकेमोन पहले तो मुझे अंदर लाने दो यहाँ पर, मैं मेरे कोई भी पोकेमोन को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्या मालूम कहीं पे भूल जाऊं मैं इतने प्रेशियस पोकेमोन। भाई आ जाओ रशर हॉर भाई, और ये पेनकिंग ने डार्क किट्सुन दे दिया हमें, और ये ऐसा कैसा डार्क किट्सुन नहीं है यार, वो ये बॉस वाला है क्या ब्रो? ये डार्क किट्सुन भी एक बॉस वाला डार्क किट्सुन है यार, लेट्स गो भाई। अब इसको हम लोग अपग्रेड करेंगे भाई, इसके अंदर डार्क वाले अटैक्स होंगे ना भाई मजे आ जाएंगे। बट अब फाइनली बारी है गाइस लेवल 3 कंप्लीट करने की, दरवाजा खुलता है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है सारी की सारी चीजें। यहाँ लिखा तो है कंप्लीटेड, देखते हैं 3, 2, and 1 ब्रो फाइनली हम लोग ने पूरा चैलेंज खत्म कर दिया, मजे आ गए भाई। लेवल 1 में पेनकिंग मिला, फिर उसके बाद रशर और मिला, एंड देन इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन फेल ट्राई किया, उसके बाद यहाँ पर एक और ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन किया, गिर गया। जिसमें हमें फाइनली किट्सुन मिल गया है, वो भी डार्क वाला किट्सुन भाई। एक बार इधर आना जरा भाई, ये देखो कितना ज़्यादा। अबे गिर मत जाना इधर से, गिर मत जाना अंदर पोकेबॉल के अंदर है भाई। हाँ बहुत बढ़िया भाई, आज का ये एपिसोड भाई इतना ज्यादा मजेदार था, इतने ज्यादा चैलेंजेस थे ना भाई मेरे को पता ही नहीं चला था कैसे क्या चीजें करनी है। बट जैसे जैसे हम लोग ने लेवल 3 भी कंप्लीट कर दिया है, Now we are moving forward to level 4। और भाई ये बता रहा हूँ ये तो मुझे और भी डिफिकल्ट लग रहा है, एक तो इतने बड़े बड़े यहाँ से भाई जंप्स हैं ये। चलो भाई रेडी हो जाओ नेक्स्ट चैलेंज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस एपिसोड, आई होप आप लोगों को मजा आया हो। आज के इस एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं हमारे पार्क वर्ल्ड पार्कोर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस वाज मी अल्फा एंड आई एम साइनिंग आउट, बाय।